हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें क्या करना है, हमें जो रैशनल नंबर्स है उनको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के सॉल्व करना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला सम देखते हैं क्या है। तो पहला सम है 13/3125। तो पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहले देखिए, रैशनल फॉर्म कौन सी होती है, पी ओवर क्यू होती है। अभी हमें पता है क्या बताना है, हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है हमारा आंसर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो हमारा क्यू है ये हमारी रैशनल फॉर्म होगी और पी ओवर क्यू क्या हमारे को प्राइम्स है, क्या है पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। तो मैंने को प्राइम्स आपको बताया था, को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं जिनका एलसीएम 1 हो, मतलब कॉमन फैक्टर 1 हो। तो अभी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो क्यू है आपका, जो आपका डिनोमिनेटर है वह इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2n या 5n। जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्यू जो है या तो 2n में आना चाहिए या फिर 5n, मतलब या तो 2 के फैक्टर्स होने चाहिए या 5 के फैक्टर्स। अगर आपका 2 या 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर होगा टर्मिनेटर। आपका आंसर क्या होगा टर्मिनेटर। अगर 2 या 5 के फैक्टर्स डिनोमिनेटर में ना आए तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बस आपको ये फैक्टर्स देखने हैं, अगर डिनोमिनेटर में ये फैक्टर्स बन रहे हैं तो टर्मिनेटिंग आएगा, अगर नहीं बन रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इन दोनों के अलावा कोई भी फैक्टर आता है, या मतलब 7 आता है 13 आता है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ। तो पहला सम क्या है, 13/3125। अभी 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 13 ही होता है। अभी हम 3125 के जो है फैक्टर्स ना, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखेंगे 3125। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो हमेशा वो 5 से ही डिवाइड। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 5 का 30, तो कितना एक बाकी रह गया, कितना आ गया 5 × 10, 2 बाकी रह गया, कितना आ गया 5 × 5 = 25। अभी 5 से फिर डिवाइड करते हैं, 5 × 5, कितना बाकी रह गया, एक बाकी रह गया 12, 5 × 10, 10 बाकी, 2 पीछे कितने बाकी रह गए 2, कितना आ गया 5 × 5 = 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 पे फिर क्या कितना आ गया, तो हमारे फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 के फैक्टर्स ही आ रहे हैं, कितना हो गया 5 की पावर 5 हो गया। और हमें यही चीज़ बतानी थी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपको या तो 2 की फॉर्म में आए, या तो 2 के फैक्टर्स हो या 5 के फैक्टर्स हो, हमारे 5 के फैक्टर्स आ गए तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यही आपको बस नीचे यही चीज देखनी है कि 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं या 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा टर्म। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 17/8। अभी 17 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 17 ही आएगा, और 8 क्या होता है, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 हमें पता है जो 2 की क्यूब होती है, यानी 2 × 2 × 2, तो 2 की क्यूब क्या होती है 8। तो नीचे जो आगे देखें, नीचे 2 के फैक्टर्स आ गए तो ये भी कौन सा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्या होता है, 4 की क्यूब होता है, तो सीधा ऊपर लिख देंगे 4 की क्यूब लिख देंगे सीधा, बाकी नीचे कितना है 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 7, तो नीचे फैक्टर्स कितने आ गए,
5 × 13 × 7। अभी देखिए ये डिफरेंट आ गया ना, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, या तो आपका जो डिनोमिनेटर में है या तो 2 के फैक्टर्स आने चाहिए या फिर 5 के फैक्टर्स आने। यहाँ नीचे 5 तो आ रहा है पर 13 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। अगर 5 का फैक्टर्स, अगर यहाँ पे अकेले 5 के फैक्टर्स होते तो हमारे ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 3, और 1600 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 1600 के फैक्टर्स बनाए तो 1600 किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 के टेबल पे आते हैं, तो 4 × 4 = 16, 400, अभी 4 × 1 = 4, अभी 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 5 = 10, यहाँ पे कितना गया, 5 × 4 = 20 और 4 × 1 = 4। अभी फैक्टर्स क्या बन गए नीचे, 4³ × 5² अभी 4³ कितनी होती है, 64, तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 × 3 और यहाँ पे 4³ को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की फॉर्म में मैंने लिख दिया तो कितना आया, 2 की पावर 6 × 5² अगर 2 की पावर 6 करोगे तो भी आपका आंसर 64 ही है। अभी आपको कई बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे ऐसे ही छोड़ाते हैं कि यहाँ पर 2 की फॉर्म तो आए ही नहीं, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग, पर आपको जो 4 है इसको आप 2 की फॉर्म में बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा टर्मिनेट, क्योंकि हमारे 2 के फैक्टर्स भी आ रहे हैं डिनोमिनेटर में और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/343। 29 के फैक्टर्स क्या होंगे, 29 ही होगा, और 343 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 343 होता है वैसे 7³ होता है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए 343 को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो पहले जो 4 पे जाएगा कितना आ गया, फिर 9 पे जाएगा 63 आ गया था, और 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7 कितना आ गया नीचे, 7³। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं ना 5 के, कौन सा नंबर हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2³ और 5² तो अभी इसने पहले ही हमें बता दिया नीचे जो डिनोमिनेटर है 2 की फॉर्म में भी है और 5 की फॉर्म में भी है, और 23 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 23, तो ये कौन सा आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया टर्मिनेट, क्योंकि उसने पहले ही हमें 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स नीचे दे दिए, तो हमारा सीधा आंसर आ गया, हम सीधा आंसर लिखेंगे टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/2² 5⁵ और 7⁵ अभी आप वहाँ पे सीधा भी बता सकते हैं उसको कि यहाँ पे हमारा नीचे जो 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं पर 7 के फैक्टर्स भी आ रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें 2 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स चाहिए थे, पर आपको वहाँ पे सीधा आंसर नहीं बताना, आपको ऊपर जो 129 उसके फैक्टर्स भी साथ में बताने सॉल्व करने, तो 3 के टेबल से करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 43 कौन से टेबल पे जाएगा, 43 पे ही जाएगा, 43 × 1 = 43 क्या आ गया, 43 × 3/2² 5⁻⁷ और 7⁻¹। अभी नीचे देखिए 2² आ रहे हैं और 5⁻⁷ आ रहे हैं, पर एक्स्ट्रा क्या आ रहे हैं, 7⁻⁷, तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, नॉन टर्मिनेट, क्योंकि हमें 7 जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर आ गया नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/50, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 2 और नीचे 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 2, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारा, ये हमारा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं
पर यहाँ पे टू का फैक्टर आना चाहिए था, पर कौन सा नंबर आ गया, थ्री। अगर थ्री भी ना होता, अकेला फाइव होता तो ये टर्मिनेटिंग, तो ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मी। बस नीचे हमें जो नंबर है ना, या तो टू की फॉर्म में चाहिए या फाइव की फॉर्म में, फिर हमारा आंसर टर्मिनेट आएगा। अगर नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, सीधी सिंपल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। 35 के फैक्टर्स में आते कितने पे जाएगा, 7 × 5, 7 × 5 = 35 होता है। और मैंने 50 के फैक्टर्स में ले, 50 के फैक्टर्स मैंने 5 पे डिवाइड किया पहले, 1 × 5 10 आ गया, और 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 8। नीचे क्या आ गया, 5² × 2, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, टर्मी 8। 5 के फैक्टर्स भी आ गए और 2 आंसर आ गया, टर्मी। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 77/200। तो 77 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो 77 कौन से टेबल पे जाता है, 11 के टेबल पे। 11 के टेबल पे मैंने किया 11 × 7 = 77, 7 × 1 = 7, क्या आ गया, ऊपर क्या फैक्टर्स बन गए, 11 × 7। और 210 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 210 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले 7 पे डिवाइड कर लें, 7 × 21, फिर मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, 5 × 30, और 6 × 6, नीचे क्या आ गया, 7 × 5 × 6। अभी इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने वैसे पूरा सॉल्व कर दिया है, बस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसका आंसर टर्मिनेट आएगा या फिर नॉन टर्मिनेट आएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई। ठीक है, तो अगर आपको हमारा आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।